अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीमीज फैमिली। आज जो वीडियो आप लोगों से शेयर करने वाले, ये लास्ट सेकेंड ईद का व्लॉग है। तो सेकेंड ईद का व्लॉग एक्चुअली आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए थे, ईद का बहुत सारा काम रहता है, उसके बाद गेस्ट आते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हुआ था। तो जिदान के पापा और जिदान जुम्मा नमाज पढ़ने चले गए थे, बिकॉज सेकेंड डे ईद फ्राइडे था, और फ्राइडे नमाज के बाद जाबिर आया सब बच्चों से मिलने, मतलब अपना भाई से मिलने। अब जाबिर का ईद रेडी हो रहा है और उसको भी हंसी आ रहा है। लास्ट टू ईयर से ईदी देना एक्चुअली, देखिए मेरा स्टार्ट हुआ, हर साल मेरी सास ही देती थी ईदी सब बच्चों को, तो हम लोग भी उतना ज़्यादा हेडेक नहीं लेते थे। और ईद के टाइम इज़ान का तबीयत ख़राब चल रहा था, अभी भी उसका मेडिसिन चल रहा है, बट माशाल्लाह अभी पहले से बेटर है। इज़ान को देखिए, अपने पापा को बेल्ट पहना है उनके सर पर, तो इज़ान अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है थोड़ा थोड़ा कर कर, बिल्कुल भी वो खा नहीं पा रहा है, फीवर में बहुत मुश्किल से खिलाया जा रहा है। ब्रेकफास्ट इज़ान का सही से नहीं हुआ था, वो वॉमिट कर दिया था, तो इसीलिए सोचे लंच थोड़ा सा जल्दी करवा देते। और इज़ान रेडी भी हुआ था आज थोड़ा सा लेट से, देखिए माशाल्लाह इज़ान भी आज पंजाबी पहना, मतलब ईद के दिन तो सब पंजाबी पहनते ही है, बट ईद के बाद वाला दिन जो है जुम्मा था, तो इसीलिए देखिए तीनों मिलकर रेडी होकर लेटे हुए हैं। ईद के फर्स्ट डे के तरह सेकंड डे किस तरीके से पास हो गया पता ही नहीं चला। फिर नेक्स्ट डे मतलब थर्ड डे ईद के मेरी नंद आने वाली थी, वो आई, फिर हम लोग चले गए थे इवनिंग के टाइम राजा राट, और वहाँ पर हम लोग का इनविटेशन था, मतलब मेरी मम्मी के घर पर, तो हम लोग बहुत मुश्किल से टाइम निकाल करके हम लोग वहाँ पर जाने का तैयारी कर रहे थे। और उससे पहले घर पर थोड़ा सा काम था, यहाँ पर जितने सारे जो स्पाइसेस था मुझे रेडी करना था, और कुछ स्पाइसेस फ्राई करके पाउडर बनाना था, और कुछ स्पाइसेस ऐसे ही रॉ ग्राइंड करना था। तो इस तरीके से बहुत सारा काम था एक ही दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर कुछ फ्राई करके पीसना था, एंड कुछ रॉ ग्राइंड करना था, तो इस तरीके से सारा कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग लंच अपना कंप्लीट किए थे, और फिर हम लोग का लंच चल रहा था। एक्चुअली इवनिंग के टाइम हम लोग लंच कर रहे थे, और रात के वक्त हम लोग पहुंच गए थे राजा राट, और उस टाइम वीडियो करना पॉसिबल नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, देखिए बच्चे स्विम सूट पहन कर रेडी हो गए। जिदान देखिए मम्मी, जिदान के पास, और यहाँ पर देखिए राहिल और रामिया को अभी सब स्विमिंग पूल में जाएंगे, ओनली 10 मिनट्स है के पास, बिकॉज 10 मिनट्स में सारा किस तरीके से जल्दी जल्दी अरेंज करना है उसको ये भी मालूम है। तो सब बच्चे देखिए सीधा चले गए स्विमिंग पूल में, और यहाँ पर जाने के बाद देखिए किस तरीके से इंजॉय करे। यहाँ पर वीडियो लेना मना है, बट आप लोगों से शेयर जो करना था इसीलिए थोड़ा सा क्लिप्स ले लिए वीडियो। और अभी हम लोग इवनिंग में घर चले जाएंगे, और घर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले। इफ़त बता रही थी यहाँ का पुष्का बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो इसीलिए हम लोग सोचे हम लोग भी निकल जाते, बट हम लोग का बैड लक था, हम लोग को पुष्का वाले नहीं मिले। हम लोग जिस रीज़न से बाहर निकले थे वो तो फुलफिल नहीं हो पाया था। हम लोग फिर यहाँ पर आरंभक जो स्टोर है यहाँ पर चले गए थे कोल्ड ड्रिंक्स परचेज करने। अब हम लोग सीधा जा रहे हैं घर, और घर पहुँचते ही फिर हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है। अम्मी और रेशमा तो कंटिन्यूसली बोल रही थी आप और एक दिन स्टे कर लीजिए, बट हम लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और यहाँ पर जो मेरा नेबर है रौनक, उसका शादी है, और उसका शादी का केक भी प्रिपेयर करना है, तो इसीलिए रुकना ही नहीं है हम लोग को। और यहाँ पर अम्मी और रेशमा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मतलब फिश चिकन हर एक चीज़ उन लोग डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी थे, तो अम्मी को इतना मना कर रहे थे, बट अम्मी देखिए पीछे पीछे आ रही थी और बोल रही थी रेशमा जल्दी करो। तो हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे उस मोमेंट्स को। देखिए हम लोग के पास बहुत ज़्यादा ही सामान था, तो इसीलिए हम लोग नहीं ले रहे थे, हम लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। जिदान के पापा और अम्मी दोनों मिल करके देखिए क्या कर रहे थे। अम्मी कोशिश कर रही थी लिफ्ट का डोर बंद नहीं हो, बट जिदान के पापा कोशिश कर रहे थे जल्दी से हम लोग भागे।
फाइनली हम लोग जीत गए, मतलब हम लोग चले गए थे नीचे और अम्मी कुछ नहीं कर पाई। बट अम्मी भी कभी हार नहीं मानती है, वो क्या कि दूसरा लिफ्ट पकड़ करके नीचे उतर गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात था, मेरी अम्मी सैंडल नहीं पहनी हुई थी बट दौड़ के भागी देखी और हम सबको पीछे से बुला रही थी। देखिए वो सीन अम्मी का, लिफ्ट हट करके चे के बोले चिल्लाते কি দাও তুমি দাও এবার ইয়াল্লা এটা কি বাটা মাছ কি বোতলে কাটবে খালি পেয়ার যা চপ্পল পেয়ার কে নেই আই আচ্ছা যাও আসছি আসসালামু আলাইকুম। और एक तो अम्मी इतना मुश्किल से एक सामान देने के लिए वो नीचे उतरी, फिर राहिल पीछे से आया और बोल रहा था फूफी रुकिए मम्मी और कुछ देंगी। अब हम लोग हंसे या रोए कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अम्मी और रेशमा एकदम पीछे पड़ जाती है हर बार। काफी एंजॉय कर रहे थे उस मोमेंट्स को और अम्मी लोग ऐसी होती ही है। और साथ ही साथ रेशमा भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह अच्छी है, बहुत ज्यादा केयरिंग है। आज हम लोग बस से देखिए हम लोग रिटर्न आने वाले थे तो बस काफी भीड़ था बस में, बट अभी खाली है। उसके बाद उतरने के बाद इफत इकरा को भूख लग गया था, उन लोगों के डिमांड पे हम लोग आ गए थे KFC। यहाँ पर हम लोग संडे फिस्ट बकेट जो है वो ऑर्डर किए थे, चिकन लॉन्गर एंड चिकन रोल्स। सब कुछ ऑर्डर करने के बाद शांति से चुपचाप हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि ऑर्डर के बाद काफी देर तक वेट करना पड़ता है। फिर हम लोग सोचे हैंड वॉश करके आते हैं, हैंड वॉश करने के बाद ही हम लोग आराम से बैठ जाएंगे। आज जो व्लॉग आप लोगों से शेयर करने वाले, ये टोटल 3 डेज का क्लिप से जो आप लोगों के साथ एक साथ शेयर करने वाले। उसके बाद नेक्स्ट डे से इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग मेरा जाएगा बिकॉज अभी आई थिंक हम लोग फ्री हो गए और रेगुलर नॉर्मली काम तो रहेगा, ये लाइफ का पार्ट है। तो आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे और एक न्यू व्लॉग में, और उस न्यू व्लॉग में आप लोगों से शेयर करने वाले रौनक का शादी से रिलेटेड सारा वीडियोस। तो आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।